के निराधारों का 4 माह से रुका मानदंड त्वरित जमा करने की मांग का ज्ञापन नागरिक निराधार संगठना की प्रदेश अध्यक्षा मंगला ठक ने उप विभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाली को दिए ज्ञापन में की है। निवेदन में बताया गया है कि संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों का मानदंड हर माह नियमित नहीं होने से लाभार्थियों को बेवजह ही परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इसके पूर्व सरकार निराधार के खाते पर हर माह मानदंड जमा करती थी, लेकिन पिछले कुछ माह से इसे ठीक से अमल में लाया जा नहीं रहा। लेकिन समय पर मानदंड नहीं मिलने से निराधार का जीना दुश्वार हो गया है। सरकार इन निराधार वृद्धों की ओर दुर्लक्ष करती नजर आ रही है। निराधार को 12 माह में 12,000 नहीं बल्कि 6,000 मिल रहे हैं, तो बाकी 6,000 कहां जाते हैं? इसकी जांच करके इस योजना में शुरू हुए अफरा तफरी को बंद करने के लिए निराधार को राहत देने की मांग की जा रही है। इस अफरा तफरी पर रोक न लगाने पर 15 दिनों में हजारों की संख्या में निराधार को लेकर बेमियादी अनशन किए जाने का इशारा ज्ञापन में ज्येष्ठ नागरिक निराधार संगठना प्रदेश अध्यक्षा मंगला ठाक ने दिया है। हिंगणघाट येथील उपविभागीय अधिकारी मॅडम साहेबांना आज आम्ही ते निराधार संघटनेच्या वतीने व महिला काँग्रेसच्या वतीने आज इथे निवेदन दिलेलं आहे। गेल्या 4-6 महिन्यापासून निराधारांचे पगार होत नाही आहे बरोबर, आणि 4 महिन्याचे पैसे रोखल्यानंतर एकाच महिन्याला पैसे येत आहे। 4 महिन्याचे पैसे का बरं पाठवत नाही आहे, आणि 12 महिन्यांनी चेक केल्यानंतर 6 महिन्याचे पैसे त्यांच्या खात्यावर दिसत आहे। तर निराधारांचे 6 महिन्याचे पैसे जात कुठे आहे? असा प्रकार गेल्या 2 वर्षापासून चालू आहे। वर 4-6 महिन्यापासून निराधारांच्या केसेस करण्यामध्ये अत्यंत ज्या अडचणी निर्माण होत आहे त्या होऊ नये, कारण जी आर एक सांगतो, प्रशासकीय अधिकारी एक सांगतो, प्रशासकीय अधिकाऱ्याला करायचंच नाही आहे केसेस, तर त्यांनी तसंही सांगायला पाहिजे। कारण आज इथे झिलेसाहेब गेल्यानंतर ती जागा रिक्त भरण्यात आलेली नाही आहे। PCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।